वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। साल 2017 था, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। सीएम के नाम को लेकर चर्चा जोरों पर थी, मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन उससे पहले एक अनजान नाम भी सामने आया था। वह नाम था स्वतंत्र देव सिंह का। वही स्वतंत्र देव सिंह जो उस वक्त योगी सरकार में परिवहन मंत्री बने, तो अब बीजेपी यूपी के प्रभारी बनाए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की जगह लेंगे, जो बीजेपी यूपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद ही स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर मुहर लगी। स्वतंत्र देव सिंह का जन्म यूपी के मिर्जापुर जिले में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि बुंदेलखंड का जालौन जिला रही। स्वतंत्र देव सिंह किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वह अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे जो आरएसएस से जुड़े, इसके बाद बीजेपी से जुड़कर सक्रिय राजनीति में आ गए। स्वतंत्र देव सिंह 1986 में आरएसएस से जुड़े थे। उन्होंने संघ प्रचारक के रूप में काम शुरू किया था। 1988-89 तक वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री रहे, तो 1991 में बीजेपी कानपुर के युवा शाखा मोर्चा प्रभारी बनाए गए। 1994 में उन्होंने बुंदेलखंड के युवा मोर्चा के प्रभारी के रूप में राजनीति में कदम रखा। इसके बाद पार्टी ने 1996 में युवा मोर्चा का महामंत्री नियुक्त कर दिया। वहीं 1998 में वह दोबारा बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा के महामंत्री बनाए गए। 2001 में स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए। बीजेपी से जुड़े हुए स्वतंत्र देव सिंह को काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन उन्होंने 2012 से पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था। 2012 में वह चुनावी मैदान में उतरे और उरई की कालपी विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बने। हालांकि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बना दिया था। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली रैलियों के आयोजन की कमान स्वतंत्र देव सिंह को सौंपी। धीरे धीरे वह पीएम मोदी व अमित शाह के करीब आते चले गए। बुंदेलखंड में मजबूत पकड़ के चलते लोकसभा चुनाव में यहाँ की अधिकतर सीटों पर टिकट स्वतंत्र देव सिंह की सलाह पर ही बांटे गए। चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड की सभी 19 सीटें जीती, तो उनका कद और बढ़ गया। 2017 में जब बीजेपी को यूपी विधानसभा में प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था, तो मुख्यमंत्री की रेस में स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी सामने आया था। हालांकि अंतिम मोहर योगी आदित्यनाथ के नाम पर लगी थी। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह को योगी सरकार में परिवहन मंत्री का प्रभार दिया गया था।